आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग प्यूपेरियम के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल प्यूपेरियम यानी जो डिलीवरी के बाद का जो टाइम पीरियड होता है उसे क्या प्यूपेरियम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्यूपेरियम की डेफिनेशन देखेंगे। प्यूपेरियम क्या होता है? पीरियड फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग विच द बॉडी टिश्यू स्पेशली द पेल्विक ऑर्गन्स रिवर्ट बैक अप्रॉक्सीमेटली टू द प्रेग्नेंट स्टेट बोथ एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली। मतलब प्यूपेरियम क्या होता है? प्यूपेरियम चाइल्ड बर्थ के बाद का जो टाइम पीरियड होता है जिसमें क्या है, जैसे यूट्रस है उसका जो इनलार्जमेंट हुआ था और बाकी जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं वो सभी क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, अपना जो डिलीवरी से पहले का जो उनका स्टेट था, प्रेगनेंसी से पहले की जो उनकी स्टेट थी उसमें क्या, वो रिवर्ट बैक करते हैं अपना जो साइज होता है एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों। ठीक है, तो प्यूपेरियम का मतलब क्या है? पीरियड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ यानी कि डिलीवरी के बाद का वो समय जिसमें क्या होता है, बॉडी टिश्यूज जो डिफरेंट चेंजेस होते हैं, ब्रेस्ट में जो चेंजेस होते हैं या फिर पेल्विक ऑर्गन में जो चेंजेस हुए होते हैं वो सभी क्या, अपनी नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में यानी प्रेगनेंसी से पहले वो जिस तरीके के, जिस शेप साइज के थे, जो उनका काम था उस तरीके से वो क्या, उस स्टेज में क्या वापस लौटते हैं। तो इस पूरे टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? प्यूपेरियम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वो स्टेट डिलीवरी के बाद की, वो टाइम पीरियड जिसमें जो बॉडी टिश्यूज हैं, जो पेल्विक ऑर्गन है वो एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली क्या है, अपनी जो प्री प्रेग्नेंट स्टेट थी, प्रेगनेंसी से पहले की जो कंडीशन थी उसमें अप्रॉक्सीमेटली रिवर्ट बैक करते हैं। उस ड्यूरेशन को, उस पूरे टाइम पीरियड को क्या है, प्यूपेरियम कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मली प्यूपेरियम का जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, 6 वीक्स का होता है। प्यूपेरियम की शुरुआत कैसे होती है? एज सून एज द प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड। ठीक है, तो अगर ड्यूरेशन पूछे कि प्यूपेरियम की ड्यूरेशन क्या है, तो प्लेसेंटा के एक्सपल्शन के साथ ही क्या, प्यूपेरियम शुरू हो जाता है और ये कब तक रहता है? अप्रॉक्सीमेटली 6 वीक्स यानी कि 1.5 महीने तक। ठीक है, इसे आयुर्वेद में क्या, सूतिका काल कहा गया है। तो आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, जैसे ही प्लेसेंटा एक्सपेल हुई तब वहीं से क्या होता है, प्यूपेरियम की शुरुआत हो जाती है और ये अप्रॉक्सीमेटली कब तक लास्ट करता है? 6 वीक्स तक लास्ट करता है। ठीक है, और इस ड्यूरेशन में क्या होता है, यूट्रस जो है, ये जो 6 वीक्स का या फिर 1.5 महीने का टाइम पीरियड है, इसमें यूट्रस जो है वो नॉन प्रेग्नेंट साइज जो होता है यूट्रस का उसमें ऑलमोस्ट जो है उस स्टेज में पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या एक प्रोसेस होता है जिसे क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूशन बोलते हैं। ठीक, तो इन्वोल्यूशन क्या होता है? इन्वोल्यूशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो जेनाइटल ऑर्गन्स जो होती हैं, जितने भी जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो सभी क्या, रिवर्ट बैक करते हैं अप्रॉक्सीमेटली टू द स्टेट देवर बिफोर प्रेगनेंसी। जैसे यूट्रस का जो शेप साइज प्रेगनेंसी से पहले था वो डिलीवरी के बाद क्या है, प्यूपेरियम टाइम पीरियड में अपना जो ओरिजिनल शेप एंड साइज है उसमें पहुंच जाता है। और जो ये प्रोसेस होती है अपने प्री प्रेगनेंट स्टेज में, प्री प्रेग्नेंट स्टेट जो था उसमें पहुंचने की, उस प्रोसेस को क्या है, इन्वोल्यूशन कहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली होता है कि ये पहले जैसा प्री प्रेग्नेंट लेडी में जो यूट्रस का साइज एंड शेप होता है उसी तरीके से अप्रॉक्सीमेटली क्या है, यूट्रस का साइज एंड शेप हो जाए, बट पूरी तरीके से नहीं होता, अप्रॉक्सीमेटली होता है। ठीक है, तो जो प्रोसेस होती है जिसमें जेनाइटल ऑर्गन्स रिवर्ट बैक कर जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली टू द स्टेट इन विच देवर बिफोर प्रेगनेंसी, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इन्वोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, ये जो यूट्रस रिवर्ट बैक करता है, ठीक है, इसको क्या हम लोग 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या, इमीडिएट यानी विद इन 24 आवर क्या, यूट्रस क्या है, जैसे ही डिलीवरी होती है प्लेसेंटा एक्सपेल होता है, यूट्रस का साइज क्या, तुरंत ही वो क्या है, छोटा हो जाता है ना। तो ये क्या होता है, अगर ऐसा ना हो, अगर इन्वोल्यूशन की प्रोसेस ना हो तो फिर क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, पोस्टपार्टम हेमरेज होगा, ब्लीडिंग होगी बहुत ज़्यादा डिलीवरी के, और जिसमें क्या है, जो फीमेल है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो जो ये इन्वोल्यूशन की प्रोसेस है ये क्या, हम लोग इसको, या जो ये प्यूपेरियम की प्रोसेस है, प्यूपेरियम का जो पूरा टाइम पीरियड है इसमें जो चेंजेस होते हैं उसके बेसिस पे हम प्यूपेरियम को क्या है, 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, इमीडिएट, अर्ली और रिमोट। इमीडिएट स्टेज जो है वो 24 आवर्स तक रहती है, अर्ली जो होता है वो 7 डेज तक रहता है, और रिमोट जो होता है वो क्या होता है, 6 वीक्स तक रहता है। ठीक है, तो अगर जो 24 आवर्स में चेंजेस हो रहे हैं वो क्या होता है, इमीडिएटली चेंजेस हो रहे हैं प्यूपेरियम में, 7 डेज तक क्या, अर्ली होता है और रिमोट अप टू 6 वीक्स तक रहता है। ठीक है, तो
प्यूपेरियम का जो नॉर्मल ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है, वो क्या है? एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा टू 6 वीक्स, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ चेंजेस और होते हैं, या जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल फीचर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग प्यूपेरियम। उसमें सेकंड क्या आता है? लोकिया। तो लोकिया क्या होता है? ये वजाइनल डिस्चार्ज होता है फर्स्ट फोर्थ नाइट के लिए ड्यूरिंग प्यूपेरियम। लोकिया का डेफिनेशन क्या है? वजाइनल डिस्चार्ज फॉर द फर्स्ट फोर्थ नाइट ड्यूरिंग प्यूपेरियम। फोर्थ नाइट का मतलब क्या होता है? जो हम लोग पक्ष बोलते हैं या पखवाड़ा बोलते हैं, 15 डेज। तो डिलीवरी के बाद जो स्टार्टिंग के जो 15 डेज होते हैं, डिलीवरी के जस्ट बाद के 15 डेज, उसमें क्या होता है? वजाइना से एक डिस्चार्ज होता है। इस डिस्चार्ज को क्या कहा जाता है? लोकिया कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो लोकिया होता है, इसकी जो ओडर है यानी जो स्मेल है वो क्या होता है? फिशी स्मेल होती है, ऑफेंसिव फिशी स्मेल होती है, ठीक है। और ये स्टार्टिंग में कैसा होता है? अल्कलाइन होता है, और जैसे जैसे डेज बढ़ते हैं ये क्या होता है? एसिडिक होता जाता है। डिपेंडिंग ऑन द कलर, किस कलर का लोकिया जो है, यानी 15 डेज तक जो वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है वो किस कलर का है, हम लोग लोकिया को क्या है, तीन उसमें वेरिएशंस में डिवाइड कर सकते हैं। लोकिया रूब्रा, ये क्या है? रेड कलर का होता है। रूब्रा रेड समझ में आ रहा है, लोकिया रूब्रा ये रेड कलर का होता है, और ये फर्स्ट 4 डेज में होता है। 1 to 4 डेज यानी पहले शुरुआत 4 दिनों में जो डिस्चार्ज होता है वजाइना से, लोकिया पूरा सबको क्या है? लोकिया होता है। ये तीन फर्दर तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ठीक है। तो लोकिया रूब्रा जो होता है वो फर्स्ट 4 डेज में जो डिस्चार्ज होता है वजाइना से, उसे क्या बोलते हैं? लोकिया रूब्रा बोलते हैं। जो नेक्स्ट 5 to 9 डेज तक डिस्चार्ज होता है उसे क्या? लोकिया सिरोसा बोलते हैं। इसका कलर क्या? हल्का येलोइश या फिर पिंकिश होता है, या पेल ब्राउनिश, मतलब ये डार्क रेड नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा? हल्का येलोइश होगा, पिंकिश होगा, या फिर क्या? पेल ब्राउनिश होगा। और थर्ड जो होता है वो क्या होता है? लोकिया अल्बा। लोकिया अल्बा इसका कलर कैसा होता? पेल वाइट, और ये 10 to 15 डेज होता है। तो लोकिया रूब्रा स्टार्टिंग के 4 डेज, 1 to 4 डेज लोकिया रूब्रा होता है, फिर 5 to 9 डेज लोकिया सिरोसा होता है, और फिर लास्ट के जो 10 to 15 डेज है उसमें क्या है? लोकिया अल्बा। लोकिया रूब्रा रेड कलर का, लोकिया सिरोसा येलोइश पिंकिश या पेल ब्राउनिश, और लोकिया अल्बा क्या होता है? पेल वाइट होता है, ठीक है। कंपोजिशन क्या होता है लोकिया का? इसमें क्या होता है? ब्लड होता है, ठीक है। फीटल मेम्ब्रेन्स जो होते हैं उनका कुछ पार्ट होता है, बचा कुछ पार्ट श्रेड्स जो होते हैं फीटल मेम्ब्रेन और डेसिडुआ के, वर्निक्स केसियोसा होता है, और लैनिगो म्यूकोनियम, ठीक है। लोकिया रुब्रा में क्या क्या होता है? ब्लड कंपोजिशन या इसके किस किस से मिलके बना होता है लोकिया रुब्रा? इसमें ब्लड होता है, श्रेड्स ऑफ फीटल मेम्ब्रेन एंड डेसिडुआ होता है, लैनिगो म्यूकोनियम और वर्निक्स केसियोसा, ठीक है। जबकि लोकिया सिरोसा जो है इसमें आरबीसी जो है वो कम होती है, ल्यूकोसाइट्स जो है वो ज्यादा होती है, इसीलिए क्या पिंकिश या फिर येलोइश कलर का होता है, ठीक है। तो लोकिया सिरोसा में क्या होगा? आरबीसी जो है वो कम होती है, लेस आरबीसी होता है बट मोर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। और इसमें म्यूकस फ्रॉम द सर्विक्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये सब होते हैं। जो लोकिया अल्बा होता है इसमें क्या होता है? इसमें प्लेंटी ऑफ डेसिडुअल सेल्स होते हैं, ठीक है। म्यूकस होता है, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ठीक है। ये इन सब से मिलके बना होता है। तो इतना डिटेल में वो नहीं जाएंगे, अगर आप नॉर्मल भी बता देंगे तो भी चल जाएगा कि लोकिया होता क्या है, और अगर टाइप्स बता दे रहा है तो ये भी क्या है? सफिशियंट होता है, ठीक। इसका अमाउंट कितना होता है कि मतलब नॉर्मली ये कितना इसका एवरेज अमाउंट माना जाता है? तो फर्स्ट 5 to 6 डेज में जो इसका एवरेज अमाउंट है वो क्या होता है? 250 ml होता है, ठीक है। जो एवरेज अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज है फॉर द फर्स्ट 5 to 6 डेज वो क्या होता है? 250 ml होता है, ठीक है। नॉर्मली लोकिया क्या है? फर्स्ट 15 डेज में होता है, बट कभी कभी ये क्या है? 3 वीक्स तक भी क्या है? एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। ड्यूरेशन जो इसका फर्स्ट फोर्थ नाइट है लोकिया का, बट कभी कभी ये क्या है? 3 वीक्स तक भी क्या है? एक्सटेंड कर सकता है, ठीक। फिर इसके बाद अदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं वो क्या होता है? फीमेल में यूटीआई होने के चांसेस क्या है? बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं,
ठीक है, ड्यूरिंग प्यूपेरियम फीमेल में यूटीआई के चांसेस क्या है, बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, इंक्रीज्ड थर्स्ट मिलता है। ऐसा क्यों होता है? लॉस ऑफ फ्लूड होता है लेबर के समय पे, क्या होता है लॉस ऑफ फ्लूड होता है। ठीक है, लौकिया है उसमें भी क्या होता है लॉस ऑफ फ्लूड होता है। ठीक है, तो इन सब की वजह से क्या होता है जो लेडी है प्यूपेरियम में उसमें क्या इंक्रीज्ड थर्स्ट मिलता है देखने के लिए, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल अगर सिजेरियन सेक्शन वगैरह हुआ है तो जो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी होती है वो क्या डिलेड हो जाती है, थोड़ा देर से शुरू होती है, इसलिए क्या कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या और क्या देखने को मिलता है, वेट लॉस मिलता है। नॉर्मली क्या है 5 to 6 kg वेट लॉस तो सडन होता है। ठीक है, जैसे ही फीटस और प्लेसेंटा, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूड ब्लड लॉस वगैरह होगा तो इससे क्या होता है 5 to 6 kg का वेट लॉस जो है वो सडनली देखने को मिलता है फीमेल में। ठीक, और इसके बाद क्या होता है जो फ्लूड कलेक्ट हुआ था इस ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे लेडी में वो भी क्या धीरे धीरे क्या होता है उसका भी लॉस होता है। तो सेकंड चीज जो देखने को मिलेगी वो क्या वेट लॉस देखने को मिलता है। जो ब्लड वैल्यू है यानी हीमोग्लोबिन है वो भी क्या है डिक्रीज हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है, हीमोग्लोबिन भी डिक्रीज होता है ड्यू टू ब्लड लॉस ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक है, ये सब क्या ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो मतलब ये देखने को ये सारी चीजें मिलती हैं प्यूपेरियम में। ठीक, जो नॉन लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं यानी जो अपने बच्चे को क्या फीड नहीं कर रही है, ब्रेस्ट फीड नहीं कर रही हैं, उनमें ओवुलेशन क्या है 4th वीक में देखने को मिलता है कि 4th हफ्ते से क्या ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है। और जो लैक्टेटिंग मदर्स है यानी जो ब्रेस्ट फीड करती हैं उनमें क्या है 10 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, ओवुलेशन जो है वो स्टार्ट होता है। जब तक मदर ब्रेस्ट फीड करते हैं तब तक क्या है कई बार मेंस्ट्रुएशन भी नहीं आता है। जो लोग जो मदर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं अपने बेबी को उनमें क्या है जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है लेडी को। ये 98% तक क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्यूपेरियम में। ये 6 मंथ तक जो है ये कॉन्ट्रासेप्टिव, जब तक 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराती है वेमेन तब तक क्या 98% जो है कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है लेडी को। ठीक है, फिर इसके बाद आता है लैक्टेशन। तो सबसे पहले क्या कोलोस्ट्रम की बात करते हैं। कोलोस्ट्रम क्या होता है, ये क्या है जो फर्स्ट मिल्क होता है आफ्टर द डिलीवरी, जो पहला मिल्क जो सिक्रीट होता है या फर्स्ट सिक्रीशन होता है फ्रॉम द ब्रेस्ट आफ्टर प्रेगनेंसी आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी के बाद जो पहला सिक्रीशन होता है फ्रॉम द ब्रेस्ट उसे क्या है कोलोस्ट्रम बोला जाता है। ये क्या येलो कलर का सेरस फ्लूड होता है। ठीक है, कैसा होता है कोलोस्ट्रम, क्या देखने में येलो कलर का होता है और इसमें क्या हाई प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन ए होता है, सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, ठीक है, फैट होता है, पोटेशियम होता है। इसीलिए क्या कोलेस्ट्रम को क्या है जितना जल्दी ब्रेस्ट फीड जो है शुरू करा सकते हैं बच्चों को वो कराने के लिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है ये कोलेस्ट्रम जो है ये क्या होता है इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है, ठीक है, IgA एंटीबॉडी जो है उसमें रिच होता है, इसमें मैक्रोफेजिस पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, ठीक है, लैक्टोफेरिन होता है, लैक्टोपरोक्सीडेज एंजाइम होता है, विटामिन ए होता है, हाई प्रोटीन होता है इसमें, लोअर कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट और पोटेशियम रिच होता है, मतलब जितने भी एसेंशियल चीज़ें हैं वो सब क्या है इस कोलेस्ट्रम में पाई जाती हैं। इसीलिए क्या होता है डिलीवरी के तुरंत बाद एज सून एज अर्ली एज पॉसिबल क्या है ब्रेस्ट फीड कराने के लिए बेबी को बोला जाता है और एक्सक्लूसिवली 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीड कराने के लिए कहा जाता है। ठीक है, ये जो कोलेस्ट्रम में या ब्रेस्ट मिल्क में, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क में जो एंटीबॉडीज पाई जाती हैं जैसे IgA है, IgG है, IgM है, ठीक है, और जो दूसरा प्रोटेक्शन से जैसे लैक्टोफेरिन वगैरह है ये सब क्या है ये न्यूबॉर्न में क्या है न्यूबॉर्न का जो डिफेंस सिस्टम है या न्यूबॉर्न की जो इम्यूनिटी है उसको क्या है इम्प्रूव करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोलेस्ट्रम और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोलेस्ट्रम क्या होता है डीप येलो कलर का क्या सीरस फ्लूड होता है जिसमें विटामिन ए IgA
मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, प्रोटीन, ये सब कुछ क्या पाया जाता है। और जो ये ब्रेस्ट मिल्क में जो IgA, IgG, IgM एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, ये सब क्या है, इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस प्रोवाइड करते हैं न्यूबॉर्न को, या उनकी इम्यूनिटी क्या इम्प्रूव करते हैं, ताकि इन्फेक्शन होने से बचाते हैं बच्चों में। ठीक है, जो फिजियोलॉजी है लैक्टेशन की, उसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या ब्रेस्ट का प्रिपरेशन होता है, मतलब ब्रेस्ट में क्या मिल्क का क्या है प्रोडक्शन शुरू होता है, इसे क्या मैमोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट को क्या मैमोजेनेसिस बोलते हैं। फिर मिल्क जो है उसका क्या सिंथेसिस शुरू होती है, और उसके बाद क्या सिक्रीशन होता है फ्रॉम द ब्रेस्ट एल्व्यूलाई, इसको क्या बोलते हैं, इस स्टेज को लैक्टोजेनेसिस बोलते हैं। इसके बाद इजेक्शन ऑफ मिल्क जो होता है, इसे क्या गैलेक्टोकाइनेसिस बोलते हैं। फिर मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन है ना, कि मिल्क का प्रोडक्शन और सिक्रीशन बना रहे, इसे क्या बोलते हैं, गैलेक्टोपोएसिस बोलते हैं। ठीक है, जो हेल्दी मदर हैं वो अप्रॉक्सीमेटली क्या है 500 से 800 ml जो मिल्क है वो पर डे फीड करती हैं अपने इन्फेंट को। कितना प्रोड्यूस करते हैं, हेल्दी मदर जो है वो पर डे अप्रॉक्सीमेटली क्या 500 to 800 ml मिल्क जो है वो उनमें उन मिल्क का प्रोडक्शन, ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और इस मिल्क के प्रोडक्शन के लिए क्या हाई कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए क्या होता है ड्यूरिंग प्यूपेरियम, या जब तक मदर जो है ब्रेस्ट फीड कर रही है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कर रही है, यानी 6 मंथ तक, तब तक मदर को कैसी डाइट देनी है, हाई कैलोरी की डाइट देनी है। ठीक है, ताकि जो एनर्जी मिल्क के प्रोडक्शन में खर्च हो रही है, अप्रॉक्सीमेटली 700 किलो कैलोरी पर डे चाहिए होता है ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के, तो हमें क्या हाई कैलोरी डाइट देना होता है फीमेल को, और इस तरीके का डाइट उनको सजेस्ट करना होता है कि बॉडी में क्या कोई भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ना हो, तो न्यूट्रिशन रिच और हाई कैलोरी डाइट देते हैं। ठीक है, जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो क्या है डिलीवरी के आधे से 1 घंटे के अंदर क्या शुरू कर देनी चाहिए, डिलीवरी के बाद आधे से 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीड जो है उसको क्या स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक, और मदर को सजेस्ट करना चाहिए कि वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराए बच्चों को एटलीस्ट 6 मंथ तक। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है जो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है प्यूपेरियम के समय, या मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल प्यूपेरियम है, उसमें क्या होता है, सबसे पहला क्या होता है कि मदर की जो हेल्थ है उसको क्या रिस्टोर करना। ठीक है, टू रिस्टोर द हेल्थ ऑफ द मदर। दूसरा, इन्फेक्शन होने से बचाना, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, प्रॉपर केयर करनी है ब्रेस्ट्स की। अगर मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है और मिल्क बाहर नहीं निकल रहा है तो क्या मेस्टाइटिस वगैरह या जो गांठ वगैरह होता है उसके बनने के चांसेस रहते हैं ब्रेस्ट में। तो क्या है, प्रॉपर क्या टेक केयर करनी है ब्रेस्ट की। ठीक है, और प्रमोट करना है किसके लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, और मदर को क्या मोटिवेट करना है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। ठीक है, तो जो प्यूपेरियम में, नॉर्मल प्यूपेरियम में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो क्या है, रिस्टोर द हेल्थ ऑफ द मदर, प्रिवेंट इन्फेक्शन, टेक केयर ऑफ द ब्रेस्ट, प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मोटिवेट द मदर फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, ये क्या है नॉर्मल प्यूपेरियम का। इसके अलावा जो चीज़ें देखनी है वो क्या है, प्रॉपर रेस्ट जो है वो हम लोग एश्योर करें कि मदर जो है उसको प्रॉपर रेस्ट मिल रहा है। ठीक है, इमोशनल सपोर्ट प्रॉपरली मिल रहा है मदर को। ठीक है, इसके बाद क्या है, डाइट जो है वो क्या है प्रॉपर है। ठीक, इसके साथ में केयर ऑफ द ब्लैडर, यानी कि अगर यूरिन पास हो रही है नहीं हो रही है, इन सब बातों का ध्यान रखना है, और उसके अकॉर्डिंग क्या फिर मेडिकेशन करने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन कंडीशन है आफ्टर डिलीवरी, तो उसका ध्यान रखना है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए क्या है, जैसे ये सब गोल की भूसी वगैरह है, ठीक है, त्रिफला वगैरह, ये सब दिया जा सकता है। ठीक, प्रॉपर स्लीप लेनी है मदर को, उसके लिए क्या है फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए क्या प्रॉपर स्लीप जो है वो क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो बल्बा और एपिजियोटमी वुंड जो है उनकी प्रॉपर क्लीनिंग, ठीक है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं होगी तो क्या इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या बढ़ जाएंगे। ठीक, जो निप्पल कभी कभी क्या होता है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे प्रॉपर केयर करनी है ब्रेस्ट की, अगर सोर निप्पल की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है हमें मदर को सजेस्ट करना है कि वो फ्रिक्वेंट शॉर्ट फीडिंग दे बच्चे को, मतलब थोड़ा थोड़ा करके दूध पिलाए, लेकिन बार बार पिलाए, ऐसा ना करे कि वो लगातार, मतलब
एक ही बार में ज्यादा पिलाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। प्रोलॉन्ग फीडिंग की जगह पे शॉर्ट फीडिंग करें और फ्रिक्वेंटली करें, ठीक है। और निप्पल्स को क्या क्लीन और ड्राई रखना है, ठीक है, अदरवाइज इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक। और साथ ही साथ पूरा हाइजीन मेंटेन करना करना, कैसे हाइजीन मेंटेन करनी है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, उन सब के बारे में क्या है प्रॉपर काउंसिल करेंगे मदर को। इसके अलावा जो इम्यूनाइजेशन है, ठीक है, अगर मदर आरएच नेगेटिव थी और आरएच पॉजिटिव बेबी है, तो जो इम्यूनाइजेशन बताया था आरएच एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटी आरएच इम्यूनोग्लोबुलिन का, ठीक है, एंटी डी गामा ग्लोबुलिन बोलते हैं उसको, एंटी डी गामा ग्लोबुलिन, वो क्या है हम लोग देंगे आरएच नेगेटिव मदर को, जिनमें अगर उसमें क्या आरएच पॉजिटिव बेबी था, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे का इम्यूनाइजेशन है उसके बारे में भी पूरा क्या एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये नॉर्मल जो प्यूपेरियम है उसमें हम बताएंगे, प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह के बारे में भी क्या एडवाइस करेंगे मदर को, ठीक है। तो ये क्या था नॉर्मल प्यूपेरियम के बारे में है, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।